गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत ही अच्छे से होगी, सब तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में और अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे। और आज है 12 नवंबर सुबह का टाइम और पतिदेव जो है वो केक का बॉक्स लेके खड़े हैं, जो मैंने कल केक की वीडियो आपसे शेयर करी थी। तो ये जा रहा है डिलीवर होने, सोलन तक पहुंचाएंगे हम इसको और उससे आगे जो हमारे कस्टमर हैं वो ले जाएंगे। यहाँ पे दाल बन चुकी है और साथ ही मैं चावल जो है वो मैंने बनाने हैं अभी, तो कुकर में पानी डाल दिया है, चूल्हे पर ही लगा दूँगी बनाने को। और यहाँ पर आज बच्चों को छुट्टी है क्योंकि सेकेंड सैटरडे है और आज हमारे यहाँ पर डालनी है वोट, तो वोट डालने के लिए भी जाना है और फटाफट से जल्दी लगा था इसलिए सुबह सुबह से ना। और ये देखिए सार्थक को भी मैंने नहला दिया चावल वगैरह बनाने के बाद, बस यहाँ पे सार्थक को नहला दिया था, नैना को भी नहलाना था मुझे यहाँ पे, तो घर के जो काम है ना उनको सारा निपटा के मैं सोची थी जल्दी जाऊँगी, लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है ना वही होता है। जितने में इनको नहला के हटी ना उतनी देर में मुझे आ गया पतिदेव का फ़ोन और अचानक से एक केक का ऑर्डर आ गया और मैं बड़ी खुशी हो गई कि हाय फिर से केक का ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पे बस अभी देखिए केक का स्पॉन्ज बनाने की तैयारी हो रही है, तो अभी मैंने बाकी का काम जो है उस पर ब्रेक लगा दी, वहीं पे ही मैंने सोचा पहले स्पॉन्ज बना लेती हूँ क्योंकि जितनी देरी में स्पॉन्ज बनेगा उतनी देरी में मेरे बाकी के काम जो है वो निपट जाएंगे, जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टील के बर्तन में पानी ले लिया है, और पता क्या है केक बनाने के लिए हमेशा या तो कांच का या स्टील का बर्तन जो है वो बेस्ट होता है, वैसे तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं ना डब्बे, लेकिन मुझे स्टील वाला बर्तन बेस्ट लगता है क्योंकि जो दूसरे एलुमिनियम वाले में बनाते हैं ना अगर, तो उससे ना गड़बड़ होती है, थोड़ा काला काला सा उसका निकलता है। और केक कॉन्सेंट्रेट डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा है कौन मशीन घुमाएगा, इसी से करती हूँ, तो बस इससे मुझे फटाफट से मैंने ये यहाँ पे कर लिया है। तो साथ ही मैं धैर्य जो है यहाँ पे गप्पे भी मारा था, बोलता मम्मा आपके तो मज़े हो गए, और मैंने बोला मैं क्या मज़े, तो बेटा मेहनत भी तो उतनी ही लगती है ना इसमें, मेहनत भी तो लगती है ना। अभी देखिए मैं सारा काम जो है उसको भी करूँगी और उसके साथ इसको भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, देखिए एक ढक्कन डाला है मैंने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि जो प्रीमिक्स होता है ना उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है हमें, क्योंकि केक जो स्पॉन्ज होता है वो ऑलरेडी इतना मॉइस्ट होता है, बहुत अच्छा बनता है इससे। तो बस यहाँ पे ये देखिए पूरा काम हो चुका है इसका, और अभी मैं इसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको बेक करूँगी मैं, क्योंकि हाफ के जी का केक है तो इसको 30 से 35 मिनट लग जाएंगे, मतलब 25 से 30 मिनट, 30 से 35 तो नहीं, 25 से 30 मिनट लग जाते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। तो बस इसको बेक करने को लगा के मैं उतने में अपने बाकी के काम जो है उनको निपटाने लग गई थी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सारा का सारा जो मेरा बैटर है मैंने तैयार किया हुआ है ना यहाँ पे, ये सारा इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए कितना थोड़ा सा है ना, और देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज जो है इसका बनके तैयार होगा, बहुत ही अच्छा सा। तो इसको टैप करना पड़ता है 2-3 बार, 4-5 बार ही करना पड़ता है मतलब, ताकि जो बड़े एयर बबल्स हो ना वो निकल जाएँ। और यहाँ पे देखिए हम चल पड़े थे, दिन का टाइम है अभी। गुड आफ्टरनून एवरी वन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और ये देखिए गाइस आज हम करने जा रहे हैं वोट डालने। और मम्मा भी देगी, सार्थक भी देगा, दादी भी देगा। सार्थक भी देगा, सिर्फ मम्मा दे सकते हैं, तुम नहीं दे सकते हो बुद्धू अभी वोट। 18 साल से अधिक आयु के लोग जो है वो वोट दे सकते हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड वगैरह बना हुआ है, ठीक है। जब आप 18 साल के हो जाओगे तब होगा। धीरे धीरे बेटा, नैनू पक्का रास्ता है ना नीचे, बिल्कुल पक्का है, गिरते हैं तो चोट बहुत जोर से लगती है। हाँ हम जा रहे हैं, ये देखिए हमारा गोभी और लहसुन का खेत, वोट दे रही है मम्मा, नीचे खेत में लगी है गोभी, हाँ निचले खेत में लगी है गोभी, ऊपर वाले में हाँ लहसुन। चलिए अभी हम ना इसकी गुड़ाई भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा काम जो है खेतों का, बिजाई का, घास का निकल जाएगा, बस उसके बाद हम लहसुन की गुड़ाई करने वाले हैं। तो देख गाड़ी आ रही है कुछ नीचे से, आराम से, हाथ हाथ नहीं छोड़ना, नहीं हाथ नहीं छोड़ना,
तो जब को हम पहुंचे वोट डालने के लिए, तब को रश जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था, सभी लोग वोट डाल के चले गए थे, और हमने भी यहाँ पे वोट जो है ना वोट डाल दी थी, वोट डाल के आगे थे घर। तो मैंने बस यही जुगाड़ लगाया कि मैं स्पॉन्ज बना के रख जाती हूँ, और जितने में वापस आऊँगी ना उतने में ठंडा भी हो जाएगा, और फटाफट से मैं केक आइसिंग कर लूँगी, क्योंकि वो केक जो है वो 5 बजे को जाना भी था। कहीं पे हाथ के निशान लगे हुए हैं, और कहीं पे कमल के फूल के लगे हुए हैं, और कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे काम जो है आधे से ज़्यादा निपट भी चुका था, उसके बाद कैमरा जो है वो ऑन किया, तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने पहले क्यों नहीं किया ऑन ये। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने जो स्ट्रॉबेरी ग्लेज है ना उससे डिज़ाइन बनाया था, थोड़ा सा अलग करने का सोचा, और नॉट बैड, इतना बुरा नहीं। पता क्या है, मैं ना खुद ही बनाती हूँ ज़्यादातर ना ये कॉर्न फ्लोर जो होता है ना उससे जो ग्लेज है, तो आज ये थोड़ा सा पतला बन गया, ये देखो ना। तो कई बार बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, कई बार पतला हो जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि मैं होममेड चीज़ें दूँ, और जो मेरे पास ये बोर्ड है ना हाफ केजी वाला, ये पूरा पूरा है, बिल्कुल इसके ऊपर बॉर्डर देने के लिए जगह ही नहीं बचती है। जो मेरा केक टिन है ना वो 6 इंच का है, तो उससे ना केक जो है वो फ्लैट होता है, हाइट कम आती है उसकी और चौड़ा ज़्यादा आता है वो हाफ केजी का ही, तो इसलिए इसमें इस तरह का होता है। ये जो है ना ये जैसे 5 इंच का होता है ना, 5.5 इंच वाला, उसके हिसाब से है ये, तो उसमें ये फिट बैठता है। लेकिन मेरे पास जो है अभी हाफ केजी का फ़िलहाल यही है। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर की क्रीम ली हुई है, और ओपन स्टार नोजल से बॉर्डर बना रही हूँ यहाँ पे इस तरह से, और ऊपर तो आप देख ही सकते हैं कलाकारी। आज मैंने कुछ अलग करने का सोचा, तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आज और कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा यही आपके साथ शेयर करूँ, क्या शेयर करूँ और ब्लॉग में, जो मेरी अपनी दिनचर्या होती है ना वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा है, बहुत ही ज़रूरी। तो टॉप पे भी मैंने सोचा कि क्यों ना टॉप पे भी मैं इसी तरह से, ये देखिए, और ग्लेज जब लगा देते हैं ना तो एक दिक्कत ये भी होती है, क्रीम नीचे लगानी ही मुश्किल हो जाती है, ये ना साथ में चलती है। फिर देखिए ये जो मैंने स्ट्रॉबेरी यहाँ पे लगाया है ना ग्लेज, इसके ऊपर अगर आप क्रीम लगाना चाहेंगे ना तो बड़ी मुश्किल से ठहरती है, इधर उधर हिलती है, ये देखो ऐसी दिक्कत आ जाती है इसमें। तो देखने को बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन लगाया बड़ी मुश्किल से लगाया मैंने ये, और ऐसे काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। लेकिन मैंने सोचा कि अभी बीच में यहाँ पे कुछ मैं फ्लावर्स बना देती हूँ, तो केक लेने के लिए ना आ ही गए थे यहाँ पे, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं रोज़ पेटल वाले नोज़ल से बनाती हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो मैंने सिंपली जो होती है ना रोज़ सेट वाली नोज़ल बस बोली, और ये देखिए क्या माइंड ब्लोइंग रोज़ इससे बन रहे हैं, देखिए ना छोटे छोटे छुटकू छुटकू रोज़ मैंने यहाँ पे बना लिए। इसमें पर्पल कलर, पर्पल बोल रही हूँ, पर्पल कलर की क्रीम भरी है, थोड़ी सी येलो भी मेरे पास जो बच गई थी वो भी मैंने भर दी इसमें, तो डबल ट्रिपल शेड वाले यहाँ पे ये फ्लावर्स जो हैं बनके तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और साइड साइड में मैं कुछ इस तरह से देखिए छोटे छोटे स्टार्स लगा दूंगी ये, तो बस कुछ इस तरह से केक जो है मेरा डेकोरेट हो गया था। तो मेरा सारा काम जो है वो निपट ही गया था, मतलब घर का भी हो गया, वोट भी डाल दिए, केक भी हो गया। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, कैसा लगा केक का डिज़ाइन, कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई थी भाई, मुझे नाम ही भूल गया था, मतलब पतिदेव ने बताया तो था कि नाम लिखना है, तो मुझे पारस नाम तो याद था, एक पारस था और एक और नाम था, तो मैं सोच रही थी क्या लिखूँ, फिर मैंने पूछा फ़ोन करके कि क्या नाम लिखना था इसमें, एक नाम तो मुझे याद है, दूसरा नाम मुझे याद ही नहीं है, तो दो का था ना एक साथ ही, तो इसलिए यहाँ पे, और इसलिए मैंने यहाँ पे नाम जो है वो बाद में लिख दिया था। हाफ के जी का केक, देखिए स्ट्रॉबेरी केक जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जिनका ऑर्डर था वो केक लेने के लिए आ भी गए थे बच्चे, और ये ना जब घर से चले गए मुझे तब ध्यान आया कि ओ हो मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं। तो ये देखिए दोनों भाई बहन जो हैं आए हुए थे केक लेने के लिए, और सार्थक जो है ये देखिए जिद कर रहा है मुझे उठा लो, हो गया गुस्सा कि मम्मा क्यों दिया, रोज रोज हम नहीं खाना, रोज इतना मीठा खाएंगे तो खराब होएगा बेटा। कल भी था ना एक ऑर्डर, कल भी बनाया था इनके लिए केक, आज मैंने बनाया नहीं क्योंकि फिर रोज़ रोज़ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा ना,
बहुत मीठा मीठा हर रोज़, तो मैंने नहीं पी है अभी शाम की चाय। मैंने जैसे ही वोट डाल के आई थी वैसे ही मैं इसको बनाने लग गई थी, क्योंकि ना मुझे पता था कि आने वाले हैं, तो अभी मैं पहले चाय पी लेती हूँ, काफ़ी ठंडी का मौसम है। और मम्मा अभी आती हूँ। चाय पीने से पहले ये देखिए कपड़े जो है ना इनको उठा लेती हूँ, क्योंकि मौसम जो है बहुत ख़राब, मतलब ओस पड़नी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे सार्थक ने तो पूरा घर सिर पे उठा लिया था कि मेरा केक था वो क्यों दिया। और बच्चों को ना बहुत ही बुरी आदत डल चुकी है अब ये, सच्ची में मैं अगर जब ऑर्डर आते हैं ना उनके लिए मैं जरूर बनाती हूँ, और इनको ना आदत ही लग चुकी है, बस जितनी बार ये केक देखते खाने को तैयार हो जाते। तो ये देखिए जी, हम वोट डाल के आ चुके हैं, दिख रहा है आपको निशान, हल्का सा दिख रहा है ना। तो जिंदगी में ना हमारी हर रोज दौड़ लगी रहती है, आज सोचते हम कि आज ये करेंगे, आज ये होगा, कल को वो होगा, और पता नहीं कब हमारे जो वो है ना क्या बोलते यहाँ पे जो हमारी जर्नी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म जरूर करिए। और यहाँ पे देखिए चाय उबल चुकी है, मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, मैं पी लेती हूँ चाय, बाय।